नमस्कार, आप सभी का न्यूज पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। बीएसएससी के मुद्दे को हम भी लगातार उठाते आए हैं। संदीप सौरभ से जब हमने बातचीत भी की थी तब भी यह उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा में इसकी मांग जरूर उठाएंगे। पिछली बारी भी वो बीएसएससी की मांग को लेकर विधानसभा में आवाज उठाते नजर आए थे, तो इस बार फिर से संदीप सौरभ ने बीएसएससी की मांग को लेकर अपनी तरफ से आवाज उठाई है। विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसी बीच संदीप सौरभ ने बीएसएससी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया कितने वर्षों से लटकी चली आ रही है। 2014 से 2021 के अंतिम में हम पहुंच चुके हैं और अभी तक इस प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं आया है, क्योंकि प्रक्रिया कंप्लीट ही नहीं हुई है। सब कुछ हो जाने के बावजूद काउंसिलिंग नहीं कराया जा रहा है, एक डेट भी नहीं निकाला जा रहा है। कहा जा रहा था कि 2 दिसंबर से काउंसिलिंग शुरू हो सकती है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। जिसके बाद संदीप सौरभ ने इस बात को रखते नजर आए, आप सुनिए खुद कि उन्होंने किस प्रकार से इन बातों को रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली को 2014 से लटका कर रखा गया है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद काउंसलिंग नहीं की जा रही है। सफल अभ्यर्थी अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। बीएसएससी 2014 के लिए अविलंब काउंसलिंग की मांग करता हूं। तो आपने सुना कि संदीप सौरभ बीएसएससी कैंडिडेट्स के लिए सामने आए हैं और उस मुद्दे को उठाते नजर आए। विधानसभा में उन्होंने ही बीएसएससी को लेकर आवाज उठाई है केवल, और इसके बाद छात्रों के बीच खुशी की लहर है। हमारे पास तमाम मैसेज भी आ रहे हैं जहां पर वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो बहुत थैंकफुल हैं कि संदीप सौरभ ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है। उम्मीद है कि विधानसभा में यह मुद्दा उठने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। हालांकि पहले भी यह मुद्दा उठ चुका है, लेकिन चूंकि अब अंतिम प्रक्रिया में हम चल रहे हैं तो काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जल्द ही समाप्त कर ली जाएगी और शायद इससे ओम प्रकाश पाल, जो कि बीएसएससी से जुड़े हैं और कहा जाता है कि उनके ऊपर ही पूरी प्रभार है, तो वो इन बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे और शायद इस पर संज्ञान लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।